हाय गाइस, माय नेम इज रोशनी शुक्ला, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ आपका फेवरेट हॉल वीडियो, जो कि है मीशो जीन्स हॉल। मुझे पता है आप लोगों को मीशो जीन्स हॉल काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मीशो पर काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में जीन्स मिल जाती हैं, तो उसी का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इस बार मैंने मीशो की बेस्ट जीन्स मंगवाई है, वो भी रीजनेबल प्राइस में, मतलब एकदम चीप वाली भी नहीं है और एकदम बहुत महंगी वाली भी नहीं है, सब कुछ बहुत ही अंडर बजट है, 700-800 के आसपास है। और आप सोच रहे होंगे मेरा मुंह इतना अजीब तरीके से क्यों खुल रहा है, क्योंकि मेरे पीछे वाले दांत निकल रहे हैं। पता नहीं अभी तक मेरे दांत क्यों निकल रहे हैं, बट काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मतलब थोड़ा सा अजीब लगे आपको बात करते हुए, अगर नहीं लगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मैं वन बाय वन सारी जीन्स आपको दिखाती हूँ, सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली लिंक नहीं होगा, कोड होगा, कोड को आपको कॉपी करना है, जाके मीशो पर पेस्ट कर देना है, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो मतलब वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, कुछ टाइम बाद ट्राई करना। और जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो भी मैं आपको सेकेंड या थर्ड में बता दूंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जीन्स ट्राई करते हैं, जो कि है पर्पल कलर में। पर्पल कलर की जीन्स ज़्यादातर लोग वेयर नहीं करते हैं, बट मैंने सोचा कुछ डिफरेंट कलर और डिज़ाइन भी ट्राई करा जाए। इससे पहले भी मैं 2-3 मीशो के जीन्स हॉल वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, बट मैंने उसको कुछ डिफरेंट कलर भी ट्राई किया। बट मैं सोच रही थी इस बार मैं आपके लिए ट्राई करूँ, ताकि अगर आपको भी पसंद आते हैं तो आप भी परचेज करें। बाय द वे ये वाली जीन्स कुछ 600 समथिंग की है, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट मेंशन कर दूँगी तो वो आपको पता चल जाएगा प्राइस क्या है और क्वालिटी कैसी। प्राइस के अकॉर्डिंग हाई वेस्ट जीन्स मंगवाई है मैंने, साड़ी ही 30 साइज में मंगवाई है। तो इसके साथ हमें ये कार्ड मिला है, कार्ड में आपको कुछ मे बी 2,500 रुपीज़ कैश बैक मिल जाएगा। अगर आप इसकी मतलब रेट करेंगे, इसके बाद स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप पे भेजेंगे जो नंबर दिया गया है उसमें, तो आपको कुछ कैश बैक मिल जाएगा। तो चलिए जीन्स खोलते हैं। ये है कुछ इस तरह की हाई वेस्टेड जीन्स, पर्पल कलर है, कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और बिल्कुल एकदम प्लेन है। तो जीन्स के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, डार्लिंग यू आर डिफरेंट जस्ट लाइक योर जीन्स, ओके। तो 9X डेनिम करके कुछ इसका ब्रांड है। सबसे बड़ी बात, जीन्स हाई वेस्टेड है, क्वालिटी कुछ इस तरह की है, नीचे से कुछ इस तरह का इसका बॉटम वेयर है, कुछ इस तरह की सिंपल सी प्लेन जीन्स हैं। मैंने कोई भी रफ़ वाला स्टाइल या फिर कोई मतलब अलग कलर या फिर डिफरेंट कलर ऐसा कुछ नहीं लिया, बिल्कुल मैंने प्लेन हाई वेस्टेड जीन्स मंगवाई थी इस पर्पल कलर में। और ये 30 साइज है, अभी तक मैंने इसे ट्राई करके नहीं देखा, बट यहाँ पे साइड में ट्राई ऑन हॉल भी चलेगा तो उसमें भी आपको नज़र आएगा कि ओवरऑल जीन्स का लुक कैसा लग रहा है। क्वालिटी मुझे अच्छी लगी तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का है ये जीन्स, ओके। और ज़िप की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बटन्स दे रखे हैं फ्रंट में यहाँ में। और जीन्स ओवरऑल कुछ इस टाइप की दिख रही है, दो आगे पॉकेट्स हैं, दो पीछे, छोटी सी यहाँ पे साइड में पॉकेट्स दी गई हैं। और ओवरऑल जीन्स अच्छी लगी, बट मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है कलर फेड होने का। मे बी अगर आप 2-3 बार वॉश करें तो मे बी कलर निकले, बट लगता नहीं है कलर निकलेगा, पक्का कलर लग रहा है, बट थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे हाँ यहाँ पे ना वाइट वाइट हो रखा है, तो मे बी कलर थोड़ा फेड हो सकता है। तो बाकी कुछ इस टाइप की डेनिम पर्पल कलर की जीन्स है, इसका कोड नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम देखते हैं जो मैंने सेकेंड जीन्स मंगवाई है। तो सेकेंड में मुझे साथ में दो जीन्स रिसीव हुई हैं, दोनों ही बहुत डिफरेंट है, एक तो कुछ प्रिंटेड स्टाइल में है, दूसरी वाली प्लेन है। तो फर्स्ट वाली आप देख के समझ गए होंगे, कुछ हार्ट साइज के ऊपर प्रिंट्स बने हुए हैं, तो ये वाली कुछ डिफरेंट होने वाली है। मैंने मीशो से मंगाई है, काफ़ी रीजनेबल प्राइस में ही है, और आपको इस तरह की जीन्स ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। और ये वाली जो जीन्स है यही मेरी फेवरेट है, मैंने बोला था ना सेकेंड थर्ड में मैं आपको दिखाऊंगी, और मैं इस जीन्स का वेट कर रही थी क्योंकि इसका प्रिंट बहुत यूनिक है, रीजनेबल प्राइस में है। ये मीशो पर अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है कि कुछ हार्ट वाली जीन्स, लेंथ बहुत प्यारी है, हाई वेस्टेड है और बहुत ही अच्छा सा प्रिंट दिया गया है। जीन्स की क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, हाई वेस्टेड है। और ये जो MK जीन्स है ऑल योर्स, इसके ब्रांड्स की जीन्स मैं पहले भी मंगवा चुकी हूँ। अगर आप मेरा और मीशो जीन्स हॉल वीडियो देखेंगे
तो मैंने इसकी जीन्स आपके साथ शेयर करी है। मैंने पहले ही बोला था इसकी जीन्स अच्छी लग रही है मुझे। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे कुछ ब्रांड्स को याद रखना चाहते हैं मीशो पर मिंत्रा पे, तो मैं पॉइंट आउट करती रहूँगी ताकि आप उसी ब्रांड के कपड़े लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मीशो पर आप MK जीन्स ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिलती है। और पीछे इस तरह का टैग लगा हुआ है, आगे फ्रंट से इसका लुक कुछ इस टाइप का है। 30 साइज में मैंने मंगवाया है और पूरा इस पर इस तरह का हार्ट वाला प्रिंट दे रखा है। बैक में भी पूरा जीन्स के इसी तरह का हार्ट वाला प्रिंट दे रखा है। और इसमें डिफरेंट कलर ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक ही यही वाला कलर ऑप्शंस आपको मिलेगा। बाकी साइड में ट्राई ऑन हॉल चल रहा होगा तो आप ओवरऑल लुक देख सकते हैं जीन्स का कैसा लग रहा है। बाकी मुझे तो बहुत अच्छी लगी, क्वालिटी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। स्ट्रेचेबल इतना नहीं है, आपको अपने साइज़ के एकदम अकॉर्डिंग ही मंगवाना पड़ेगा। तो मेरा साइज़ तो 30 है और 30 साइज़ के अकॉर्डिंग मुझे एकदम परफेक्ट आने वाली है। और इसका स्क्रीनशॉट भी मैं मेंशन कर दूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि अभी रिसेंटली प्राइस क्या चल रहा है। वैसे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता है, अगर आप अभी भी लेंगे या बाद में भी लेंगे 30-40 रुपीज़ का ही डिस्काउंट मिलता है। इतना बड़ा कोई मीशो पर डिस्काउंट नहीं मिलता है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। देन सेकेंड जीन्स मैंने ये वाली मंगाई थी, तो हम देखते हैं थर्ड तो कुछ इस टाइप की प्लेन ही लग रही है, बट डेनिम ब्लू कलर है इसका। क्वालिटी की बात करते हैं, सबसे पहले क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है और ये भी MK जीन्स की ही है। तो इस ब्रांड की जीन्स ज़रूर ट्राई करना। और ये भी एकदम सिंपल सी 30 साइज़ में मैंने जीन्स परचेज करी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी है। प्यारी इसलिए लग रही है क्योंकि मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। इसको बोलते हैं मॉम फिट, जो कि कुछ इस टाइप की होती है। मॉम फिट में क्या होता है, साइड से यहाँ से थोड़ा सा बैगी होता है लेकिन नीचे से थोड़ा सा इस टाइप का नैरो टाइप का होता है, तो इसे हम मॉम फिट बोलते हैं। और जो मैंने आपको पहले दिखाई थी ये वाली, ये हार्ट वाली, इसको बोलते हैं वाइड लेग। मतलब पूरा वाइड लेग होता है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे का स्ट्रक्चर एकदम वाइड होता है। और जो फर्स्ट भी मैंने आपको दिखाई वो भी वाइड लेग है। ये वाली मॉम फिट जीन्स है, तो वो आप ध्यान रखना। मॉम फिट जीन्स कुछ इस टाइप की होती है। 30 साइज में परचेज किया है, हाई वेस्टेड है और फ्रंट बैक दोनों साइड पॉकेट दे रखी हैं। स्ट्रेचेबल नहीं है इतना, बट अगर जीन्स के कपड़े की बात करें तो कपड़ा काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा मोटा नहीं है, ज़्यादा आपको अनकम्फर्टेबल फील नहीं कराएगा। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, तो ये वाली जीन्स भी आप परचेज कर सकते हैं। ये भी 700-800 के आसपास ही है। अब लास्ट दो जो जीन्स मैंने मंगवाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फोर्थ वाली जो जीन्स है वो कुछ रफ स्टाइल में है। इसका नाम है, इस ब्रांड का नाम है वेटा, मेड बाय भारत। तो इंडियन ब्रांड ही है, बाकी भी जो मैंने पहले भी आपको दिखाया वो भी इंडियन ब्रांड है। तो इंडियन ब्रांड को ज़रूर प्रमोट करा करिए, अगर उनकी क्वालिटी अच्छी मिल रही है तो ज़रूर ट्राई करा करिए कि उन्हीं ब्रांड के कपड़े परचेज करा करिए। और मीशो पर जो भी मतलब ज़्यादातर ब्रांड इंडियंस ही होते हैं, तो मीशो से थोड़ा शॉप करा करिए, काफ़ी फ़ायदा होगा। डे बाय डे वैसे भी मीशो का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें और यूनिक चीज़ें आने लग गई हैं मीशो पर। और ये भी वाइड लेग जीन्स है, आगे रफ सा स्टाइल दे रखा है, समथिंग ये वाला प्रिंट है। 30 साइज में मंगवाया है और हाई वेस्टेड है इसका मटेरियल, बाकियों के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा पतला है। और बात करूँ जीन्स स्ट्रेचेबल है या नहीं है, इतनी स्ट्रेचेबल नहीं है, बट मटेरियल इतना मोटा नहीं है कि समझ में आपको कंफर्टेबल हो। मटेरियल जीन्स का काफ़ी ज़्यादा पतला है और मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी इस ब्रांड की जीन्स। शायद मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, साइड में ट्राई ऑन हॉल चलेगा तो आपको अच्छे से आइडिया लगेगा कि फिट कैसा आ रहा है, ओवरऑल जीन्स का लुक कैसा नज़र आ रहा है। फ्रंट में यहाँ पर कुछ इस टाइप के बटन दे रखे हैं, गोल सी प्लेन, पॉकेट्स भी काफ़ी अच्छी हैं। फ्रंट बैक दोनों साइड पॉकेट दे रखी हैं और जो रफ वाला स्टाइल है वो कुछ इस टाइप का है। आगे फ्रंट में रफ सा दे रखा है, सिर्फ एक नीज़ पे ही आपको कट नहीं मिलेगा, दोनों नीज़ पे इस तरह का कट है। तो अगर आपको इस तरह की रफ वाले स्टाइल नहीं पसंद हैं तो आप थोड़े टाइम के लिए पहन सकते हैं, उसके बाद टेलर से पीछे की साइड ऐसा कपड़ा लगवा सकते हैं जीन्स का ही। बाकी अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत परचेज करना, क्योंकि इसके जो धागे होते हैं वो कुछ टाइम बाद हट जाते हैं, तो जीन्स में एक बड़ा सा होल नज़र आता है। तो मैं इसलिए ज़्यादातर रफ स्टाइल वाले जीन्स नहीं दिखाती हूँ अपने हॉल वीडियो में, बट मैंने सोचा एक दो जीन्स तो दिखाना चाहिए, थोड़ा ट्राई करना चाहिए, थोड़ा यूनिक स्टाइल। किसी को पसंद होता है, सबकी अपनी अलग पसंद होती है।
अब जो लास्ट जीन्स है वो समथिंग मैंने 700-800 की मंगाई है। ओके तो ये भी डेनिम ब्लू कलर है। मैंने सारी डेनिम ब्लू, डार्क ब्लू, सब कलर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, डिज़ाइन में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जब सब वन बाय वन देखेंगे तो सबकी क्वालिटीज़ अलग है, सब कुछ स्टाइल अलग है। तो लास्ट जीन्स है हमारी ये डेनिम डार्क ब्लू कलर में। ओके ये भी बहुत अच्छी लग रही है और आप यकीन नहीं करेंगे, ये भी एम के जीन्स की है और ये इसको बोलेंगे वाइड लेग जीन्स। तो ये भी वाइड लेग है, हाई वेस्टेड भी है। इस तरह से आप पता कर सकते हैं हाई वेस्टेड है या नहीं है। अगर इतना होगा तो ये मिड वेस्ट होगा, अगर और इतना होगा तो ये लो वेस्ट होगा। तो इस तरह से मैं पता कर लेती हूँ क्योंकि मैं सरोजिनी नगर में कई बार जीन्स परचेज करने जाती हूँ। मुझे मिड वेस्ट, हाई वेस्ट, लो वेस्ट समझ नहीं आता है, तो मैं इसी टाइप से ट्राई कर लेती हूँ अपने हाथ से इस तरह से। तो अगर इतना होगा तो हाई वेस्टेड है। तो ये जीन्स कुछ इस टाइप की है डेनिम डार्क ब्लू कलर में, और इस तरह की डार्क ब्लू कलर की जीन्स मुझे बहुत अच्छी लगती है। लाइट ब्लू भी अच्छी लगते हैं बट मुझे ज़्यादातर डार्क ब्लू अच्छे लगते हैं क्योंकि वो गंदी जल्दी नहीं होते हैं और उन्हें हम 2-3 बार पहन सकते हैं। वैसे जीन्स की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आपको जीन्स को 2-3 बार पहनने के बाद ही वॉश करना चाहिए। अगर आप तुरंत एक बार पहन के फिर वॉश करेंगे, फिर एक बार पहन के वॉश करेंगे, तो इससे डेनिम की क्वालिटी ख़राब होगी, सेल्फ लाइफ ख़राब होगी, डेनिम जल्दी फेड होगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो 2-3 बार पहन के ही वॉश करें। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको अनहाइजीनिक वे बता रही हूँ, बट रियल फैक्ट यही है। अगर आप पहन के बाहर जा रहे हैं तो आकर रख दें, दोबारा एक बार पहन लें, 2 बार पहन लें, बट 2-3 बार कम से कम पहनने के बाद वॉश करें। तो ये इसकी क्वालिटी कुछ इस टाइप की है, पूरा हाई वेस्टेड है। फ्रंट का लुक इसका कुछ इस टाइप का है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। पीछे एमके का जो भी एमके जीन्स का लोगो दिया गया है, पीछे की पॉकेट्स काफ़ी अच्छी है। और मुझे लगता है ये पियर शेप वाली बॉडीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि ऊपर से जो उसका शेप है वो कुछ इस तरह से ज़्यादा है और नीचे से थोड़ा वाइड है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा क्योंकि थाइस थोड़ी हैवी होती हैं, तो उससे ईजी होगा पहनने में। और मुझे लगता है उनको ज़्यादातर मॉम फिट वाइड उन्हें ज़्यादा तो वाइड लेग वाली पहननी चाहिए क्योंकि शेप ज़्यादा अच्छा आता है। तो यही सारी जीन्स मैंने परचेज करी थी मीशो से। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।